दंतेवाड़ा में नक्सलियों की साजिश नाकाम साबित हुई है। पुलिस ने कटेकल्याण सड़क पर मेडापाल गांव के पास से 10 किलो का बम बरामद किया है। दरअसल नक्सलियों ने दो डिब्बों में डेटोनेटर और जेटिनिल लगाया था और जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इसी गांव में रैली करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए एसपी ने रैली के लिए मना कर दिया। इस पूरे मामले में हमारे रिपोर्टर पंकज सिंह ने एसपी अभिषेक पल्लव से खास बातचीत की है, सुनिए। दंतेवाड़ा पुलिस को आज एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। दंतेवाड़ा से कटेकल्याण मुख्य मार्ग पर मेटापाल के पास 60 किलो का बम दंतेवाड़ा पुलिस ने बरामद किया है। पूछते हैं कि उस बम की क्षमता कितनी थी और वो कितना नुकसान पहुंचा सकती थी, सर कितनी बड़ी कामयाबी? 60 किलो उसमें हाई एंड एक्सप्लोजिव जेलेटिन और 250 मीटर वायर कॉर्डेक्स का था। दो अलग अलग डब्बे में रखा गया था, जो डब्बे आपस में 20 मीटर दूर थे। एक साथ यदि गाड़ियां पार होती काफी लेकिन दो अलग अलग गाड़ियों को उड़ाया जा सकता था। इनकी एक 30 किलो की इतनी क्षमता थी कि दो एंटी लैंडमाइन उड़ाया जा सकता है, बीपी गाड़ी के परखज्जे उड़ सकते हैं, ट्रक्स को उड़ाया जा सकता है। तो कोई भी गाड़ी, दो अलग अलग गाड़ी एक साथ इसमें उड़ाई जा सकती थी। सर अभी उपचुनाव निपटा है, शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया गया है, यहाँ पर कई नेताओं की भी रैलियां होने वाली थी, तो क्या लगता है कि ये किसी राजनेता को टारगेट करने के लिए? या तो डीआरजी की पुलिस पार्टी या फिर राजनेता, इन्हीं दोनों को। तो डीआरजी ने पिछले 4 महीने में दंतेवाड़ा में काफी सफलताएं हासिल की, बड़े बड़े नक्सली नेताओं को ढेर किया है। तो पुलिस एक टारगेट में थी और दूसरा राजनेता टारगेट में थे, क्योंकि हमने पहले ही दिन ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही ये घोषणा कर दी कि जो हमें 12 घंटे पहले अपना ट्रैवल प्लान देगा उन्हीं को अंदरूनी क्षेत्र में जाने दिया जाएगा और आरोपी दोनों तरफ चेक होने के बाद जाने दिया जाएगा। यही कारण है कि बम होने के बाद भी, तार लगा होने के बाद भी नक्सली रोड के पास आकर तार को जोड़ नहीं पाए। तो ये हमारे साथ थे दंतेवाड़ा एसपी। बिल्कुल सही बात है कि एक बड़ा हादसा होने से पुलिस ने बचाया और एक नक्सलियों की बहुत बड़ी साजिश दंतेवाड़ा पुलिस ने फेल की है। पंकज सिंह भदौरिया, स्वराज एक्सप्रेस, दंतेवाड़ा।